दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत ने एक से बढ़कर एक ताकतवर वीरों को जन्मा है। यहाँ का इतिहास अगर देखें तो बहुत से ऐसे वीर हैं जिनसे दुनिया के बड़े से बड़े लोग डरते थे। आज हम आपको ऐसे ही एक वीर की कहानी बताने जा रहे हैं जिनका नाम वीर लोरिक था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीर लोरिक और उनकी पत्नी मंजरी के प्यार की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीर लोरिक उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गौरा गांव के रहने वाले थे। प्रचलित लोककथा लोरिकी के मुताबिक वीर लोरिक का जन्म 5वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वीर लोरिक का जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था। वीर लोरिक के विविध पक्षों का जिक्र लोक साहित्यकार डॉक्टर अर्जुन दास केसरी ने अपनी कृति लोरिकान में भी किया है। संस्कृत की मशहूर कृति मृच्छकटिकम का प्रेरणा स्रोत लोरिकी लोरिकान ही माना जाता है। इसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लोरिकी का उल्लेख किया है। पश्चिमी विद्वानों में बेवर, बर्नाफ, जॉर्ज ग्रियर्सन आदि ने भी लोरिकी पर काफी कुछ लिखा है। कहते हैं कि वीर लोरिक का कद 8 फीट था और उनकी तलवार 85 मन की थी। स्थानीय लोगों के अनुसार वीर लोरिक को सोनभद्र के अगोरी राज्य के मेहर की बेटी मंजरी से प्रेम हो गया था। उसने मंजरी के पास अपना प्रेम प्रस्ताव भेजा तो मंजरी की रातों की नींद उड़ गई और वह भी लोरिक के सपने देखने लगी। परंतु मंजरी पर अगोरी राज्य के राजा मोलागत की नज़र थी क्योंकि वह भी मंजरी को हासिल करना चाहता था। जब मेहर को लोरिक और मंजरी के प्रेम का पता चला तो वह भयभीत हो गया क्योंकि उसे मोलागत के मंसूबों का पता था। अगोरी का राजा मोलागत बहुत अत्याचारी था। राजा को भी इस बात का पता चल गया कि लोरिक क्या चाहता है। वीर लोरिक एक महान योद्धा थे। युद्ध में लोरिक अकेले ही हजारों के बराबर थे। लोरिक को पता था कि बिना युद्ध के मंजरी को हासिल नहीं किया जा सकता। तब उनकी सेना सोन नदी के तट पर पहुंच गई। राजा मोलागत ने तमाम उपाय किए कि बारात और सेना सोन नदी को पार ना कर सके, परंतु बारात नदी पार कर अगोरी किले तक जा पहुंची और फिर हुआ भीषण युद्ध। कहते हैं कि इतना खून बहा कि अगोरी से निकलने वाले नाले का नाम ही रुधिरा नाला पड़ गया और आज भी ये नाला इसी नाम से जाना जाता है। वीर लोरिक की अधिकतर सेना और उनका अपार बलशाली इंद्रावत नामक हाथी भी इस युद्ध में मारे गए थे। आज भी हाथी का एक प्रतीक प्रस्तर किले के सामने सोन नदी में स्थित है। अंत में लोरिक की जीत हुई और मंजरी की डोली विदा हुई। वीर लोरिक मंजरी को लेकर अपने घर बलिया की ओर जा रहे थे। बलिया जाने का रास्ता रॉबर्ट्सगंज से होकर गुजरता है। घोड़े पर सवार होकर वीर लोरिक और उनकी प्रेमिका मंजरी इसी पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे कि रास्ते में मारकुंडी घाटी पड़ी। ये घाटी मंजरी को बेहद पसंद थी। उसने लोरिक को यहाँ रुकने के लिए कहा। मंजरी ने वीर लोरिक से कहा कि न जाने हम यहाँ वापस कब लौटे। तुम इस घाटी में कुछ ऐसी पहचान छोड़ जाओ जिसे लोग सदा याद रखें। मंजरी ने मारकुंडी घाटी की सबसे अधिक विशालकाय चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम अपनी तलवार के एक वार से इस चट्टान के 2 टुकड़े कर दो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी तलवार का वार इतना सटीक हो कि यह चट्टान 2 भागों में बंटे, लेकिन दोनों टुकड़े ऐसे ही पहले की तरह अपनी जगह खड़े रहें, गिरे नहीं। वीर लोरिक ने अपनी प्रेमिका मंजरी की बात सुनकर अपनी तलवार को हवा में लहराया और एक बार में चट्टान के 2 टुकड़े कर दिए। आज भी ये चट्टान सोनभद्र की मारकुंडी में मौजूद है। आज भी ये चट्टान वीर लोरिक और मंजरी की प्रेम कथा को दर्शाती है। प्रेमियों के लिए ये आज भी एक प्रेम स्मारक है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।